हेलो। जी सर, आ गई। अच्छा अच्छा अगर बेटा, आप कंटिन्यू करें। अच्छा बेटा, ये हम जो क्वेश्चन कर रहे थे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स अभी हमने बेटा फाइंड आउट की हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं जो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट है अब उनको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा हमने जो अपने हमारे काम वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सिर्फ उनको हम देखते हैं कि ये बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें मिल रही हैं जी, कि नाइट्रोजन पर 3- है, अमोनियम के अंदर NO3 के अंदर नाइट्रोजन पर +5 है, और इस N2O के अंदर जो नाइट्रोजन पर चार्ज है वो 1+ है। अब उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट आर द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है। तो जरा बेटा पहले इस चेंज को देखें कि ये जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर +5 चार्ज है, ये नाइट्रोजन 1+ में जा रहा है जी, बताएं कितना चेंज हो रहा है जी, नंबर +5 से +1 में जाना कितना चेंज आया है, 4+ का चेंज आया है या नहीं जी भाई, 4+ का चेंज आया है यहां पर या जी नहीं। सर, अच्छा, इसी तरीके फोर से, प्लस ही है। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरे नाइट्रोजन को देख लें कि ये 3- है, और ये बेटा 3- से, ये 3- से आपके पास बेटा ये जा रहा है 1+ में, तो यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितना चेंज हो रहा है नंबर, जी बेटा कितना नंबर चेंज हो रहा है इधर। देखिए -3 है ना, -3, इसके बाद उसने जाना था -2 में गया होगा, फिर -1, देन 0, देन +1, तो कितना चेंज आ रहा है बेटा, ये -3 से +1 में जा रहा है, या -3 में आप कितना ऐड करें तो +1 आएगा, चलिए ये बता दें, -3 में कितना ऐड करें तो +1 आएगा, 4+ ना, -3 से 1+ में बिल्कुल जाने के लिए आपको +4 करना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप ये देखें कि यहां जो बेटा आपके पास था +5, इस +5 से आपने +1 में अगर आप गए हैं तो ये कितना चेंज आया, इसमें कितना आप बेटा ऐड करेंगे तो ये +1 में जाएंगे, आप -4 ऐड करेंगे तो फिर +1 में जाएंगे, तो ये दो चेंज आ रहे हैं बेटा, क्या चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, +4 और -4, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। मुझे ये बताएं कि ये समझ आया या नहीं बेटा, अगर नहीं समझ आया तो मैं इसको फिर बताता हूं। देखें उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर सुने, वो कह रहा है कि व्हाट आर द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू नाइट्रोजन एटम, वो ये नहीं कह रहा है कि आप इन नाइट्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, नहीं, वो कह रहा है इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है वो बताएं। तो आपने पहला काम ये करना है, आपने पहला काम ये करना है बेटा कि आप हर एलिमेंट के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डाल लेंगे। अच्छा, हमें सिर्फ नाइट्रोजन से गरज है तो मैंने सिर्फ नाइट्रोजन के भी मेंशन की हुई है, फिर आपने कंपेयर करना है। अच्छा, आपको ये बात मैं कल भी बता चुका हूं कि जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना होता है एक नाइट्रोजन को देखते हैं, अब 2+ को ना देखते रहिएगा बेटा, अब जो अगर आप इसको देखें कि ये 3- से ये 1+ में जा रहा है, तो आप ये सोचें कि 3- और 1+ में कितने का डिफरेंस है, 3- के अंदर आपने क्या ऐड किया होगा कि 1+ आएगा, तो जाहिर बात है बेटा +4, आप +4 इसमें डालेंगे तो फिर ये आंसर बनेगा, तो ये +4 का आ रहा है नंबर चेंज यहां पर। और अगर आप इसको देखें कि ये जो नाइट्रोजन है ये +5 से +1 में कैसे जा रहा है, तो इसके लिए बेटा आपने फिर यही चीज देखनी होगी कि +5 से +1 में जाने के लिए आपको 4- से इसको सॉल्व करवाना है, तो ये चेंज आ रहे हैं जी नंबर, +4 और -4, तो ये आपका बेटा आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी तरीके से बेटा आगे चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ ये जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी इक्वेशन असल में यहां गिवन नहीं है ना, लेकिन चले इक्वेशन मैं आपको लिख कर दे देता हूं, ये इक्वेशन बेटा आपके सिलेबस में है, और ये इक्वेशन जो है ना आप कहां पर इसको पढ़ेंगे जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है फिर आपको सिखाई जाएगी, इसलिए ऐसी इक्वेशंस जो आपके सिलेबस में है वो एग्जाम में लिखता नहीं है जी, ये तो वही लिखी गई है, वेट अ मिनट,
It's 11 o'clock. ये या जी आगे इक्वेशन, बड़ा मैं इस इक्वेशन के बाद जी यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें, वो कह रहा है कि हाउ डज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड. तो इक्वेशन में यह लिख रहा हूं, NaCl सॉलिड प्लस H2SO4 इट गिव्स NaHSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इक्वेशन आप सपोज करें कि आपको भी गिवन है, ठीक है. अब आपने बेटा ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आपको पता है ये जानने के लिए भी आपको पहला काम क्या करना पड़ता है, आपको पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स डालनी होंगी. तो पहला काम मैं ये करता हूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डालता हूं, सोडियम प्लस वन, सीएल माइनस वन. यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में आ जाए जी के ऑक्सीजन इज टू माइनस और 4 टू जा 8, 8 माइनस, हाइड्रोजन इज 1 प्लस, दो हाइड्रोजन पर प्लस 2 और सल्फर पर प्लस 6. देखें तभी ये कैंसिल आउट होगा ना. H2SO4 एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंपाउंड है. ऑल चार्जेस मस्ट बी कैंसिल. तो कैंसिल आउट करने के लिए ऑक्सीजन पर तो 8 माइनस है, तो अब हाइड्रोजन पर 2 प्लस है, तो सल्फर पर प्लस 6 ही होगा. इसी तरीके से बेटा सोडियम पर तो फिक्स है प्लस 1, हाइड्रोजन पर भी बेटा यहाँ प्लस 1, ऑक्सीजन इज 2 माइनस तो 8 माइनस, सल्फर इज प्लस 6. आप देख सकते हैं सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. हाइड्रोजन इज प्लस 1, सीएल इज माइनस 1. बेटा देखें जी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है यहां पर, जरा चेक करें कहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है. जी बेटा कहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, जी कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है बेटा या नहीं हो रही? नहीं हो रही सर. नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब होगा, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं कर रहा. तो एज एन एसिड ओनली, वो कह रहा है कि हाउ डज द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव. तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर क्या, किस चीज के तौर पर बिहेव कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है. ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है, ना रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, राइट. इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ बेटा ये क्वेश्चन है जो कि बड़े टाइम लेते हैं बेटा, इन इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बड़ा टाइम लेते हैं. ये आपने बताना होगा यहाँ पर कि किस ऑप्शन में लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ये आप कर सकते हैं या ये मैं सारे करके दिखाऊं आपको, बताएं शाबाश. ये मैं करके दिखाऊं या आप कर लेंगे? जी बेटा अच्छा, इसका मतलब मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है. बेटा आपने ये बताना है होगा इसमें कि लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर हो रहा है. तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होगा क्योंकि हमें एक एक, हमें एक एक एलिमेंट के बारे में बेटा बताना होगा ना, इसलिए एक एक इक्वेशन के बारे में, इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा. जो कर लेते हैं जी, अच्छा जी बड़ा इस तरह करता हूं कि मैं इसका आंसर पहले आपको बता देता हूं और आंसर के साथ सिर्फ एक जो है ना इक्वेशन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है. इसका आंसर है सी, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. टू प्लस MnO4 वन माइनस 8H प्लस आयरन 3 Mn2 प्लस और वाटर. अच्छा आयरन 2 के ऊपर गिवन है, यहां सारी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, सिर्फ MnO4 के ऊपर मैंने डालनी है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट. एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन पर 8 माइनस हो जाएगी और मैगनीज पर 7 प्लस, क्योंकि आंसर 1 माइनस आपने निकालना है. और यहां ऑक्सीजन 2 माइनस, हाइड्रोजन 2 प्लस, एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस. अब बेटा जरा देखें जी
कि एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है टू से थ्री प्लस में, यहां तो एक का डिफरेंस आ रहा है ना, सिर्फ एक का डिफरेंस आ रहा है, टू से थ्री पर जा रहा है। लेकिन दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, सेवन से टू प्लस में जा रहा है, यहां पर पांच इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, गेन ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अब ये ध्यान में रखिएगा कि कितने, वो कह रहा है कि लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपने बताना है, तो यहां पे पांच इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। अब हम कोई रेंडमली कोई और एग्जांपल करके देख लेते हैं, हम कौन सी और बेटा यहां पर एग्जांपल कर लें, आप मुझे बता दें, ए बी डी में, ए बी डी में बताएं कौन से हम ऑप्शन चेक कर लें। और ए कर ले सर, ए कर लेते हैं जी। अच्छा, ए ऑप्शन में आप देखें सी आर टू ओ सेवन टू माइनस सिक्स मोल्स ऑफ आयरन टू, 14 मोल्स ऑफ एच प्लस, 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम 3, 6 मोल्स ऑफ आयरन 3, 7 मोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर कि क्रोमियम ही की चेंज हो रही होगी, तो हम जरा यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट डालते हैं, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, 7 ऑक्सीजन पर 14 माइनस, और 14 माइनस को आप कैंसिल आउट तो नहीं करना, आपने आंसर 2 माइनस लेकर आना है, तो इसको आप कर देंगे प्लस 12, प्लस 12 दो क्रोमियम पर है, एक पर क्या होगा 6 प्लस, तो आपने एक को ही चेक करना होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहां पर क्रोमियम क्या है जी, 3 प्लस, कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई 6 प्लस से 3 प्लस में जाने के लिए, 3 का, 3 का डिफरेंस है ना बेटा 6 प्लस और 3 प्लस में जी सर। तो आपने तो बताना है कि जहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर आ रहा है, यहीं पर आ रहा है जी, 5। आप देख लें मैगनीज में 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो रहे हैं, जबकि क्रोमियम ने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। आप बाकी ऑप्शन बेटा चेक कर लीजिएगा, इसकी आप स्नैपशॉट लेते रहे ना बेटा एमसीक्यूज की, तो आप इसको घर में बैठकर खुद भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बेटा, रिडॉक्स रिएक्शंस occur very frequently in the chemistry of group 7. Which statement is correct? ये देखिए, हमने कल पढ़ा और आज भी पढ़ा है, और ये एमसीक्यू जो है ना, अगर आपने कल का टॉपिक सुना है और आज का टॉपिक सुना है, तो आपको देना चाहिए इसका आंसर। क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज दी, आपने बताना है जी के कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज दी ब्रोम, बल्कि मैं इसको बेटा उसी पर लेके जाता हूँ, एक मिनट, वन नोट के ऊपर इसको मैं लिखता हूँ। अच्छा जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो आ रही है सर। अच्छा बेटा, अब बेटा यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वो कह रहा है क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज द ब्रोमाइड बट नॉट आयोडाइड। ये देखिए भाई, ये इसने बात सही नहीं की, कह रहा है कि अगर आप सपोज मुझे ये बताएं, क्या ये क्लोरीन दोनों के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर NaCl बनाएगा या नहीं बनाएगा भाई? बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि हमने बेटा आज ही ये पढ़ा है, हमने आज ही ये पढ़ा है कि, और कल भी ये पढ़ा था कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कि जो फ्लोरीन है वो इन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज इन तीनों से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। लेकिन जो बेटा हमारे पास क्लोरीन है वो ब्रोमीन से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, आयोडीन से भी खींच सकता है, क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो अब क्लोरीन बेटा वो कह रहा है कि क्लोरीन ब्रोमाइड से तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन आयोडाइड से नहीं लेगा, नहीं, दोनों से लेगा। देखें, क्योंकि क्लोरीन का साइज ब्रोमाइड के मुकाबले में भी स्मॉल है और आयोडाइड के मुकाबले में भी स्मॉल है, तो ये क्लोरीन इस ब्रोमाइड से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इस आयोडाइड से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दिस क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज दिस ब्रोमाइड एज वेल एज दिस आयोडाइड, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज इन दोनों से ज्यादा स्मॉल है, इसलिए पहली स्टेटमेंट तो बेटा क्या होगी, रॉन्ग। बेटा रॉन्ग है ना पहली स्टेटमेंट? रॉन्ग है सर। दूसरी स्टेटमेंट देखें कि फ्लोरीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल रॉन्ग है भाई। हम तो कल से ये पढ़ रहे हैं कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड लेस शील्डिंग इफेक्ट, तो ये भी गलत है जी। अच्छा,
तीसरी स्टेटमेंट आज हमने पढ़ी है, आयोडाइड आयन आर दी वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. नहीं भाई, जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आती है, इलेक्ट्रॉन देने की, तो हम देखते हैं कि किस आयन का साइज बिगर है. जिस आयन का साइज बिगर होगा वो रेडिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो इसमें देखा जाए तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसमें अब बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंपेयर करेंगे ना, तो आपने ये न्यूट्रल एटम्स को देखना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप ये न्यूट्रल एटम्स देखते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं. और जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है तो आप इन आयंस की बात करते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ये बात लाजमी है कि आपके पास पहले एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो. तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की वो जब भी बात करेगा हेलाइड्स में, वो नेगेटिव आयंस की बात करेगा. तो आपने सिर्फ ये देखना है कि बिगर साइज वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो यहां पर उसके ऑपोजिट बात कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग है. डी देखिए, हम जारी बात है, ए बी सी रॉन्ग है तो डी ठीक होगा. व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, क्लोरीन इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. अब ये बात आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगी, तो मैं आपको बताता हूं. ये भी एक वो रिएक्शन है जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं. आप बेटा जब क्लोरीन को वाटर में डालते हैं ना, क्लोरीन को ये अक्सर वहां पर रिएक्शन किया जाता है. ये जो स्विमिंग पूल्स होते हैं बेटा, स्विमिंग पूल्स, उनके पानी के अंदर क्लोरीन डाला जाता है ताकि जर्म्स को किल किया जा सके. क्यों? क्योंकि जब आप वाटर के अंदर क्लोरीन डालते हैं तो बेटा उसके अंदर HCl बनता है और HClO बनता है. तो ये जो HClO है ना बेटा, ये बेसिकली आगे फर्दर डिकम्पोज होता है और जो इसका एटॉमिक ऑक्सीजन है वो जर्म्स को किल करता है. लेकिन फिलहाल आप इन बातों को छोड़ें, आपने सिर्फ ये बताना है कि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहाँ पर क्लोरीन जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है. तो बेटा चेक कर लेते हैं, अभी देखें. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज जीरो. वाटर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट डालते हैं, ऑक्सीजन 2-, हाइड्रोजन 2+ और एक हाइड्रोजन पर 1+. HCl के ऊपर जो चार्ज आएगा 1- एंड 1+. और HClO के अंदर जो चार्ज आएंगे बेटा, ऑक्सीजन इज 2-, हाइड्रोजन इज 1+ एंड क्लोरीन इज 1+. बेटा ये देखेंगे इंटरेस्टिंग है कि HClO के अंदर क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है तो इस पर तो माइनस चार्ज आएगा. अब ये बाकी दो क्या करेंगे, इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने चार्ज को एडजस्ट करेंगे, हाइड्रोजन प्लस 1, क्लोरीन प्लस 1. तो अब आप बेटा देखिएगा कि क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन. ये रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. और यही क्लोरीन बेटा देखें 0 से +1 में जा रहा है, तो ये क्या हो रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है. तो यहां पर जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वो रिड्यूस भी हो रहा है. तो बेटा ये ऑप्शन ठीक हो गया या नहीं हो गया कि व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. और ये भी याद रखें बेटा कि जब किसी रिएक्शन के अंदर, बेटा ये भी याद रखिएगा कि जब किसी रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट मतलब क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, तो इस रिएक्शन का एक और नाम भी है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये आपके सिलेबस में है या आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी मैं नाम बता रहा हूं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये वो रिएक्शन होता है बेटा जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो. अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है एट अ टाइम, तो ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. जी बेटा अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर. बेटा क्वेश्चन नंबर 5, आपने ये बताना है कि इसमें कौन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, जो बोल्ड एलिमेंट्स हैं इनमें से जी. तो जारी बात है बेटा, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि अब यहां पर चलें, उसने एक आसानी कर दी है, बाकियों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप यहां पर देखेंगे कैल्शियम को कैल्शियम से कंपेयर कर लेंगे जी हम, यहाँ इस सल्फाइट को इस सल्फेट से कंपेयर कर लेंगे, इस आयरन 2 को आयरन से कंपेयर कर लेंगे, और इस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, तो मैं इसको
अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम। अच्छा बेटा बेटा अगर हम इसी को देखें, चले यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखने में ही आपको आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भला कैसे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है जी, बताएं जल्दी से। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? व्हिच गेन्स द इलेक्ट्रॉन। जी बेटा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही होता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी सर, वही होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आयरन टू, और ये किस में जा रहा है भाई? आयरन में जा रहा है। तो आयरन टू ने क्या किया है कि आयरन में कन्वर्ट हो गया। हाँ, लेकिन आपको मैंने बताया कि आप इस तरह मत कीजिएगा, आप आराम से क्या करें कि पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करें। देखिए, अब आपको पता है आयरन पर जीरो है, तो ये प्लस टू से जीरो में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है जी, कम। कम होने को बोलते हैं रिडक्शन। और आपको कल बताया था कि जहां रिडक्शन होगी वहां पर आप लिख दिया करेंगे दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम इस तरह कर लेते हैं, कोई एक एग्जांपल और करते हैं इसी में से, ए बी सी डी में से, जिसमें हम उसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं फिर जी। ये तो करेक्ट आंसर है ना सी हमारा, तो हम कौन सी ले लें जी? मेरा ख्याल हम बी ले लेते हैं, कि बी देखने में आपको मुश्किल सी लग रही है, जरा बी हम देख लेते हैं जी, कि ये सल्फाइट और सल्फेट इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, ये रिडॉक्स के अंदर ना इस कॉफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करने में। तो आप इन कॉफिशिएंट्स को फिलहाल इग्नोर कर दिया करें। ये जा रहा है जी सल्फेट के अंदर। अब चार्जेस चेक करते हैं जी। ऑक्सीजन इज 2 माइनस, 3 टू जा 6 माइनस, और सल्फर पर चार्ज क्या होगा? 4 प्लस, क्योंकि आंसर आपने 2 माइनस लेकर आना है ना, सल्फर इज 4 प्लस। यहां पर आप देखें जी, ऑक्सीजन इज 2 माइनस, 4 टू जा 8 माइनस, और सल्फर पर आप करेंगे 6 प्लस, क्योंकि आपने आंसर 2 माइनस लेकर आना है। तो सल्फर यहां से 4 से 6 प्लस में जा रहा है जी, बट ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, 4 से 6 प्लस में जा रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन नहीं कर रहा भाई। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह बेटा और एमसीक्यू कर लेते हैं थोड़े से। हाँ बेटा, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जब तक आपके सामने ये रिएक्शंस नहीं होंगे तो आप ये नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए इसको स्किप करके। ये कर लेते हैं जी। बड़ा आपने ना इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है जी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे खुद भी करें ना बेटा, अपनी नोटबुक पे करें। शाबाश। ये देखें जी, वो कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग क्लोरेट वन। अच्छा, क्लोरेट वन का पता है क्या मतलब होता है बेटा? वन का मतलब है कि इस क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है। जब भी इस तरह लिखा हो ना बेटा क्लोरेट वन, तो इसका मतलब है दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। तो आर यूज एज अ हाउस होल्ड ब्लीचिज एंड डिसइंफेक्टेंट, द सॉल्यूशन डिकम्पोज ऑन हीटिंग एज शोन, विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय क्लोरीन इन ईच ऑफ दीज थ्री आयन। तो आपने बेसिकली इस रिएक्शन में जो क्लोरीन आइंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। CLO, आसानी के लिए, मैं सिर्फ आसानी के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए वन माइनस को इस तरह लिख देता हूं, ताकि आपको ये ज़हन में हो कि ये माइनस वन इस सारे के ऊपर है। इस तरह अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं ऑक्सीजन के ऊपर है। और ये क्या दे रहा है जी आपको? CLO3
अगेन वन माइनस, और फिर क्या दे रहा है जी, टू सी एल वन माइनस। अब बेटा आपने ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की निकालनी है, तो ऑक्सीजन हैज टू माइनस, एक ऑक्सीजन पर टू माइनस चार्ज है और यहां एक ही ऑक्सीजन है, तो बेटा क्लोरीन पर क्या चार्ज आना चाहिए, वन प्लस भाई, क्योंकि आपने आंसर वन माइनस निकालना है ना, तो अगर ऑक्सीजन टू माइनस है तो क्लोरीन वुड बी वन प्लस। इसमें निकालते हैं जी कि क्लोरीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा टू माइनस, थ्री टू जा सिक्स माइनस, और क्लोरीन पर चार्ज क्या आएगा, फाइव प्लस। ठीक है जी, तो ये माइनस सिक्स और फाइव प्लस, आपके पास आंसर वन माइनस आ रहा है, और यहां पर क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी गिवन है। तो बेटा ये है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा इसमें, ऑप्शन सी राइट, बाकी गलत है। देखिए आपने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी, तो वन प्लस, फाइव प्लस और वन माइनस। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया है, व्हाट हैपन्स व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। जी बेटा कौन बताएगा कि क्या होने जा रहा है भाई, अब यहां पर सोडियम इज वन प्लस, बी आर इज वन माइनस, आयोडीन इज जीरो, क्या बेटा आयोडीन इस काबिल है कि इस ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या आयोडीन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इस ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन खींच ले। जी बेटा बताएं, क्या ये ब्रो आयोडीन नहीं, नहीं, क्योंकि आयोडीन का बिगर एटॉमिक साइज है, तो ये कभी भी इस ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। तो आप क्या बताएंगे जी, नो रिएक्शन, सिंपल इसका आंसर है, नो रिएक्शन अकर्स, कि आयोडीन इस सोडियम ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। और अगर आप क्वेश्चन 13 देखें बेटा, उसी का उसने ऑपोजिट किया है, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान में रहे। कह रहा है कि इस दफा क्या हो रहा है जी कि आपने ये किया है कि ब्रोमीन सॉल्यूशन जो है Br2, इसका रिएक्शन करवाया है सोडियम आयोडाइड के साथ। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, अब अगर आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड याद होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, के जो ब्रोमीन है दिस इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू आयोडीन। तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन खींच सकती है, राइट, ब्रोमीन जो है ये आयोडाइड के मुकाबले में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ब्रोमीन इस आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा या इसको रिप्लेस कर देगा, 2NaBr+I2। तो आप देखें ये जीरो से ये माइनस वन में चला गया और ये जीरो में चला गया। अब देखें कि ब्रोमीन के साथ क्या हो रहा है और आयोडाइड के साथ क्या हो रहा है, आपने ये बताइए देखना है जी। अगर आप ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन के साथ बेटा यहां पर ब्रोमीन की रिडक्शन हो रही है, जीरो से माइनस वन तो ब्रोमीन की रिडक्शन हो रही है, और अगर आप आयोडीन आयोडाइड को देखें तो आयोडाइड का नंबर बढ़ रहा है भाई, माइनस वन से जीरो में चला गया है, तो ऑक्सीडेशन हुई है जी इसकी। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, ऑप्शन सी कि ब्रोमीन एटम्स आर रिड्यूस क्योंकि जीरो से माइनस वन में चला गया, और आयोडाइड आइन आर ऑक्सीडाइज, देखें ना माइनस वन से जीरो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। जी बेटा ये हमारे टॉपिक आज खत्म हो गया है रिडॉक्स का, तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से, कल से हमने बेटा स्टार्ट कर रहा है क्या, मोल।